भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति की ओर से सबसे सस्ती कार और सबसे बेहतरीन मारुति सुजुकी वैगनार अब दोस्तों नए अवतार में कंपनी लॉन्च कर चुकी है। 2022 मारुति सुजुकी वैगनार का फेसलिफ्टेड अवतार काफी लंबे समय से लोग इस गाड़ी के नए अवतार का इंतजार कर रहे थे, तो आखिरकार आपका इंतजार अब दोस्तों खत्म हुआ क्योंकि न्यू जनरेशन वैगनार अब भारतीय सड़कों पर लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की बुकिंग शुरू होने वाली है और आप इस गाड़ी को केवल 3 से 5 लाख रुपए की एक्स शोरूम बेस मॉडल राशि पर खरीद सकेंगे, जो कि आम आदमी के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात बताई जा रही है। मारुति सुजुकी वैगनार मारुति की सबसे बेस्ट गाड़ियों में से एक और भारतीयों की पहली पसंद रही है और इस गाड़ी का नया मॉडल भारतीय ग्राहकों के लिए शानदार खुशियां और एक नया डिजाइन के साथ लेटेस्ट फीचर्स के साथ, इसमें आपको एक फ्यूल एफिशिएंट वाला इंजन पूरा फुल्ली लोडेड पैकेज के साथ आई है, जो कि पुरानी वैगनार के मुकाबले काफी ज्यादा दिखने में तो है ही बेहतरीन, साथ ही इसमें आपको 6 शानदार फीचर्स भी देखने को मिलने वाले है। और इस गाड़ी में सबसे बड़ा अपडेट इस गाड़ी के डिजाइन और इंजन में करा गया है। न्यू जनरेशन वैगनार को कंपनी के अल्फा मॉड्यूलर हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिससे ये गाड़ी स्पेस में पहले से ज्यादा बेहतर और सेफ्टी वाइज काफी ज्यादा मजबूत और सेफ हो चुकी है। और साथ ही इस गाड़ी में आपको अब नए कलर ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी वैगनार की अगर हम खूबियों के साथ साथ इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, तो इस गाड़ी में अब आपको एक नया डुअल टोन डिजाइन नजर आएगा, जो कि इस गाड़ी के ओवरऑल लुक को एक जबरदस्त और एक शानदार स्पोर्टीनेस प्रदान कर रहा है। न्यू 2022 मारुति सुजुकी वैगनार डुअल टोन पेंट स्कीम में नजर आएगी, जिसमें आपको कार बहुत ही आकर्षक नजर आएगी। डुअल टोन एक्सटीरियर्स में आपको नए डुअल टोन फ्रंट बम्पर, डुअल टोन प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप और डीआरएल के समेत इस गाड़ी में आपको सुजुकी की नई सिग्नेचर डुअल टोन फ्रंट ग्रिल नए क्रोम प्लेटेड नोगो के साथ आएगी। साथ ही इसमें आपको नीचे की तरफ इंटीग्रेटेड फॉग लैंप्स इस गाड़ी के फ्रंट लुक को एक नया स्पोर्टीनेस और एक जबरदस्त क्लासिक लुक दे रही है। वही रेस साइड पे आते हैं तो इसमें आपको गाड़ी का शानदार टॉल बॉय डिजाइन और डुअल टोन एलईडी टेल लैंप सेटअप के साथ एल-शेप एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि सुजुकी वैगनार की बड़ी सी क्रोम बैजिंग के साथ नजर आएगा। इस बारी कंपनी ने इस गाड़ी में कई जगह क्रोम का इस्तेमाल करा है, जिससे ये दिखने में और भी ज्यादा जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। वही साइड प्रोफाइल में इस गाड़ी में आपको पहले से ज्यादा बेहतर 13 से 14 इंच के 5 स्पोक अलॉय व्हील्स का सेट नजर आएगा, जो कि इस गाड़ी को ओवरऑल लुक वाइज काफी ज्यादा जबरदस्त और एक स्पोर्टी फील और एक लुक दे रहे हैं, जो कि भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में लॉन्च होते ही तहलका मचा देगी। वही दोस्तों, जितना शानदार इस गाड़ी का एक्सटीरियर है, उतना ही प्रीमियम क्वालिटी इस गाड़ी का इंटीरियर रहेगा। कंपनी न्यू जनरेशन वैगनार में अपना सबसे लेटेस्ट और हाईटेक 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मुहैया कराएगी। इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम में आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो की सुविधा भी देखने को मिलेगी, जो कि एप्पल कारप्ले इंटरनेट टेक्नोलॉजी समेत कई सारे फीचर्स के साथ फुल्ली लोडेड रहेगा। साथ ही इस गाड़ी में आपको डुअल टोन डैशबोर्ड और एक शानदार फुल्ली लेदर इंटीरियर नजर आएगा। इसमें आपको ऑटोमेटिक डुअल कंट्रोल एसी, एक पावर स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल समेत इस गाड़ी का इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के साथ कंफर्टेबल रहेगा। वही इस न्यू जनरेशन मॉडल में कंपनी सेफ्टी वाइज भी काफी ध्यान दिया है। इसमें आपको नए डुअल फ्रंट एयरबैग्स एबीएस के साथ ईबीडी 4 पार्किंग कैमरा समेत शानदार सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं, जो कि गाड़ी को सेफ्टी वाइज काफी ज्यादा सेफ बना पाने में खासा रोल निभा रहे हैं। वही दोस्तों, इस न्यू इम्प्रूव्ड वैगनार में कंपनी न्यू मारुति सुजुकी वैगनार में अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हाई एंड इंजन भी इस्तेमाल करेगी। मारुति का दावा है कि इसमें आपको कंपनी नया 1 लीटर का 4 सिलेंडर के सीरीज का इंजन मुहैया कराएगी, जो कि 24 से 35 किलोमीटर तक की माइलेज की रेंज दे पाने में सक्षम है, जो कि SCNG कंपनी फिटेड किट के साथ आएगा, जो कि इस गाड़ी का बेहतर माइलेज बढ़ा पाने में सक्षम हो रहा है। तो आप तीर हमें इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा आपको न्यू जनरेशन वैगनार का नया अवतार कैसा लगा, क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को आम आदमी तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।